हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ GIC सिलोगी फॉर गढ़वाल, सिलोगी मार्केट में इंटर कॉलेज, और ये स्कूल का एनुअल फंक्शन, जबरदस्त हास्य कॉमेडी छात्रों द्वारा। तो आप बने रहे वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है। और कॉमेडी एक और ये सीएम कैंडिडेट पर है, तो आप बने रहे वीडियो में। इस पल का अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तू है कि मैं तक मैं आइए नेता जी बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। यहाँ तो स्थान ग्रहण करने के लिए चारपाई भी कौनी है नेता जी। आज चारपाई नहीं होती, आज चेयर होती है। ये स्टूडियो है, वो चेयर का हो गया। अरे छोटी चारपाई नेता जी, छोटी चारपाई, छोटी चारपाई, इसमें तो हमारा बम भी ना। नेताजी चलो आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। जो इंटरव्यू का है यार, साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा अच्छा, साक्षात्कार। नेताजी अब ये बताइए, पैदा कहाँ हुए थे बताओ? बोलू मैं, इंडिया में पैदा हुए थे? इंडिया के कौन से इलाके में पैदा हुए थे नेताजी आप? बताओ, कितना बड़ा बेवकूफ है, इलाका तो कुत्ते का हुए, हम तो इज्जतदार लोग हैं। नेताजी आपका कौन से इलाके में और कौन से जिले में जन्म हुआ था बताओ? चार दिन के बच्चे को थोड़ी ना पता होता है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उस समय तो मेरी आंखों भी बंद थी। चलिए छोड़िए नेताजी, अब हम आपसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल नॉलेज का होगा यार, सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा अच्छा, पूछिए पूछिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे अम्मा स्ट्रांग ने। स्ट्रांग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रांग। तू है भी है। अच्छा नेताजी ये बताइए कि चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था बताओ? कितना बड़ा बेवकूफ है, जब पहला कदम उसने लगा था तो दूसरा भी वही रखेगा ना, लगड़ी खेल लो थोड़ी गया था। नेताजी अब ये बताइए कि डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, अच्छा। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा जनता की ऐसी कैसी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। नेताजी अब ये बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह जूता है, जूता। नेताजी आप जनता को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाओ, भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाओ, जो दारू सेना माने उसे कॉफी पिलाओ। नेताजी ये बताइए जो आग लगी थी उसमें आपका क्या योगदान था? क्या योगदान रहा? घोटाला के अलावा कुछ भी बोलो नहीं, आराम से बोल ले। हाँ, जो लोग घायल हो गए थे उन्हें तो हमने ब्यासट्टी पहुंचा दिया था, और जो मर गए थे उन्हें ऋषिकेश पहुंचा दिया था। नेताजी ये बताइए आपने मुआवजे के तौर पे क्या दिया था? मुआवजे के तौर पे जो लोग मर गए थे उन्हें 50 रुपए और जो घायल हो गए थे उन्हें 10 रुपए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। अरे जरा अपना फोन तो दीजिए नेताजी। अरे हमने जरा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है नेताजी। फोन नंबर, अरे जरा आपके लिए कुछ कह रही है लगता है। आप बोलिए, कौन पागल है रे? अरे कोई पागल बात कर रहा लगता है। आप देख सकते हैं कि यह अनपढ़ नेता का लक्ष्य, वे जनता को ही जनता के द्वारा पागल बना रहे हैं। ये बोलूं? अब हम आपको कुछ स्लोगन बताएंगे।
एक दो तीन चार वोट देना है हमारा अधिकार। अब हम अपना नाटक यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।